नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। आइए देखते हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबर एक नजर कोहराम झटपट। लीज आवंटन केस में सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं। हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने कहा केंद्र सरकार ने लगातार परेशान किया, इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ने किया। सीएम हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर को दी 2341 करोड़ की सौगात, कई योजनाओं का किया शिलान्यास व उद्घाटन। देव दीपावली पर दीपों से सजी शिव नगरी वाराणसी, पीएम मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। पुणे की महिला, नागालैंड का सांप और गिरगिट धराई टाटा नगर स्टेशन पर, दुर्लभ एक विदेशी सांप की कीमत आंकी गई 25 करोड़। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में सहिया दीदी का जुटान, स्थायीकरण और पगार बढ़ाने की रखी मांग। राजधानी रांची में टीपीसी के दस्तक, दो पेट्रोल पंप से मांगी रंगदारी। लातेहार में महापाप, पड़ोसी युवक ने 4 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा। राजधानी रांची में 1.5 साल की बेटी को फेंका दुर्वा डैम में, बाप को शक था नाजायज औलाद होने का, अरेस्ट। धनबाद के नारायण थोड़ा में वर्चस्व को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष, खुलकर की गई फायरिंग और बमबाजी, एक होटल को भी फूंका। झारखंड राजभवन के बाहर महाधरना, राज्य को अस्थिर करने का इल्जाम लगाया झामुमो, कांग्रेस और राजद ने। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, कल कहीं पूर्ण चंद्र ग्रहण तो कहीं आंशिक राशि में दिखेगा 9 मिनट तक। चतरा के चौथा गांव में खेत में मिली दंपत्ति की डेड बॉडी, ग्रामीणों ने जताई आशंका, जहर खाकर दोनों मरे। हजारीबाग में भाजपा ने निकाली हल्ला बोल रैली, दारू फुटबॉल ग्राउंड में नेताओं ने कहा भ्रष्टाचार में डूबी है सरकार। कटिहार में बीजेपी नेता संजीव मिश्रा को घर के नजदीक गोलियों से भूना, पुरानी रंजिश में मर्डर होने की आशंका। छपरा बलिया रूट पर पूर्णिमा तक मिली पूजा स्पेशल ट्रेन, ट्रेनों में भीड़ को देख रेलवे ने लिया फैसला। शेखपुरा के जमींदार सूर्यमणि सिंह को दहेज में मिली थी हथनी, 46 साल बाद छोड़ गई अनारकली। डाक विभाग में 10वीं 12वीं पास के लिए 188 पदों पर निकली वैकेंसी, 22 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, बांदीपोरा से 2 हार्डकोर आतंकी गिरफ्तार। बेहतर प्रदर्शन करने वाले विराट कोहली को मिला बड़ा सम्मान, पहली बार जीता आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।